शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। क्या हुआ, पहचाना नहीं? नहीं, तुम कौन? मैं राहुल, आकाश के बचपन का दोस्त। स्कूल में साथ पढ़ते थे ना। ओह राहुल, तुम काफी बदल गए हो। आओ अंदर आओ। और राहुल कैसे हो? तुम तो बिल्कुल बदल गए हो। कब आए कनाडा से वापस? कल ही वापस आया हूँ। बस अब पापा का बिजनेस संभालूंगा। वैसे आकाश दिखाई नहीं दे रहा है, और शिवानी कहाँ है? अरे शिवानी कोचिंग गई है, और आकाश ऑफिस आते ही होंगे कुछ देर में। अरे वाह, आकाश ने जॉब स्टार्ट कर ली, क्या बात है, ग्रेट। वैसे आप बिल्कुल नहीं बदली हैं, एकदम वैसी की वैसी हैं, फिट एंड ब्यूटीफुल। फिट तो वैसे तुम हो। तुम्हें याद है तुम बचपन में कितने मोटे होते थे, लेकिन अब देखो एकदम फिट और स्मार्ट। अब तो मैं फिटनेस फ्रीक हो गया हूँ, एप्स भी बना रखे हैं, दिखाता हूँ। नहीं नहीं, मैंने बिलीव कर लिया, एप्स बना रखे होंगे तुमने। खैर क्या लोगे तुम, कॉफी या चाय? अरे आप क्यों तकलीफ उठा रही हैं, मैं बनाता हूँ ना, एकदम कैनेडियन स्टाइल में। आपने ऐसी कॉफी कभी पी नहीं होगी। आप, मैं बनाता हूँ, किचन का है? मैं बनाती हूँ। हाँ वहाँ मैं बना, अरे मैं बनाता हूँ, आप बैठिए मैं बनाता हूँ। इसे मैं कैसे भूल सकता हूँ। तुम तो काफी अच्छे से काम कर लेते हो, और एक शिवानी और आकाश को देख लो, पानी उबालने तो वही काफी है। क्या हरकत है मनोज, तुम पागल हो क्या? तुम्हें बात समझ में नहीं आती, मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्लीज ये सब हरकतें करना बंद करो, और पड़ोसी हो पड़ोसी की तरह रहो। एक ना एक दिन तुम्हें अपना बना के रहूंगा शिवानी। ये लीजिए, कॉफी तैयार है। लेट मी ट्राई। श्योर। Nice. Thank you. Mom? ये कौन है? अरे हाय, मैं राहुल। अरे वाह, तुमने बनाई कॉफी? जी। Don't tell me कनाडा जाके तुम बावर्ची भी बन गए हो। कितनी अच्छी कॉफी है ये,
यार तू तो पूरा विदेशी हो गया यार। जैसा देश वैसा भेष। तुम तो बिल्कुल नहीं बदले राहुल, अभी भी। प्यार करता हूं, प्यार। आज तुम खाना यहीं खाकर जाना। क्यों मां? यार क्या बताऊं, जब से पापा गए हैं सारी जिम्मेदारी मेरे सर पर आ गई। पढ़ाई के साथ साथ मुझे अपनी जॉब भी करनी पड़ी। छोड़ यार ये सब सेंटी बातें, ये बता तूने कोई गर्लफ्रेंड बनाई कि नहीं? अरे यार कहाँ गर्लफ्रेंड, टाइम कहाँ मिलता है? तू बता तेरा क्या सीन है? मेरा सीन तो यार हर रात अलग होता है, कभी किसी के साथ कभी किसी के पास, आजाद परिंदा हूँ। वाह यार। यार मेरी ना सिगरेट खत्म हो गई है, तू यहीं रुक, मैं एक मिनट में लेके आता हूँ। नहीं नहीं भाई, तुझे ज्यादा चढ़ गई है, सिगरेट मैं लेके आता हूँ, तू यहीं रुक। मेरे बेडरूम में रखी है, बेड के साइड में एक टेबल होगा, उस पर है। I'm so sorry. मैं वो आकाश का कमरा समझ के। ये देखो वहां पे पूरा पार्टी पार्टी, मस्त घूम सकते हो आप। राहुल मैं ऑफिस जा रहा हूं यार, मिलता हूं शाम को, चल बाय। आकाश। हाँ माँ।
टिफिन तो ले जा, हमेशा याद दिलाना पड़ता है। थैंक्स माँ, चलो बाय गाइस, बाय माँ। बाय। शिवानी तुम्हें कोचिंग के लिए लेट हो रहा है ना, जाओ तैयार हो, मैं नाश्ता लगाती हूँ। हाँ बाय। कल रात के लिए सॉरी, मैं गलती से ये क्या कर रही हो तुम? वो खून बह रहा था ना, तो मैंने सोचा मैं बैंडेज लगा लूंगी। तुमने ये कपड़े पहन के जाओगी क्या? मामा भी आजकल का फैशन नहीं है। लीव इट राहुल, तुम अपने घर जा रहे हो ना, तो मुझे कोचिंग क्लास ड्रॉप कर दोगे? हाँ हाँ श्योर। थैंक यू, बाय बाय। हेलो। वो मैं राहुल। हाँ राहुल बोलो ना। मेरा सामान आपके घर पर छूट गया था कुछ, तो मैं कल आकर ले लूंगा। बिल्कुल कल आ जाना। ओके बाय बाय। बाय। मेरा क्लास में ना आज बिल्कुल मन नहीं लगा, पर तुम्हारे साथ शॉपिंग करके ना बहुत मजा आया। अच्छा दैट्स ग्रेट। वैसे अगली बार क्लास में मन ना लगे ना, तो मेरे साथ घूमने चलना बंक करके। अच्छा तो मैं जब बुलाऊंगी तब तुम आओगे? हाँ हाँ बिल्कुल। एक बात कहूँ, आई होप यू डोंट जज मी। हाँ हाँ बोलो, व्हाई शुड आई जज यू? एक्चुअली मुझे तुमसे यू नो व्हाट आई मीन। अच्छा प्यार या इन्फेचुएशन? वैसे अक्सर इस उम्र में होता है, कोई बात नहीं। अब वो तो पता नहीं, पर मुझे ना तुम बहुत पसंद हो, और मुझे पता है हमें मिले सिर्फ दो ही दिन हुए हैं, पर आई रियली लाइक यू। और मैं बता नहीं सकती है मैं कितना डर डर के बोल रही हूँ, क्योंकि अगर भाई को पता चल गया तो वो तुम्हें नहीं मुझे बहुत पीटेगा। सच में। चलते हैं।
से तो उसने वाओ मॉम, आप तो बहुत अच्छे लग रहे हो। पक्का ना, अच्छी लग रही हो? सच में मॉम, आप बहुत सुंदर लग रहे हो। अच्छा ठीक है, मैं निकलती हूँ, लेट हो रहा है। तुम अपना ख्याल रखना और जूस पी लेना, ठीक है? बाय बाय मॉम। शिवानी मेरी बात सुनो यार, I really like you। बस अब तो बहुत हो गया, तुम्हारी घर तक आने की हिम्मत हो गई? मनोज तुम निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को कंप्लेन कर दूंगी। जाओ यहाँ से। आप क्यों नहीं आ सकती क्या? ओ प्लीज, मेरा वो मतलब नहीं था। आइए ना, अंदर आइए। नाइस हाउस। क्या कर रहे थे? नथिंग, बस गेम खेल रहा था। वैसे आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। फ्लर्ट कर रहे हो? क्यों नहीं कर सकता? तुम्हें पता तो है ना मेरी और तुम्हारी एज में कितना फर्क है। एज से क्या फर्क पड़ता है? एज तो बस एक नंबर है, फीलिंग्स इंपॉर्टेंट है। उसी सिलसिले में बात करने आई हूँ। फीलिंग्स वो भी अपने दोस्त की माँ के लिए? नहीं, मंजू के लिए। मेरे लिए सिर्फ तुम मंजू। जस्ट क्लोज योर आईज। मुझे पता है तुम्हें प्यार की जरूरत है। ज्यादा सोचिए मत, बस खो जाइए। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये सब, लेकिन राहुल आज यार कुछ ज्यादा हो गया यार मुझे। हाँ यार, ज्यादा तो हो गई है। एक काम कर, तू घर जाके सो जा, मैं निकलता हूँ। हाँ भाई। अरे आकाश, चल आकाश, मैं छोड़ता हूँ तुझे।
राहुल 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 उठो उठो भी यार, सुबह हो गई, जल्दी उठो, जाओ तुम यहाँ से। क्या हुआ? अरे कोई उठ जाएगा, उठो जल्दी और अपने घर जाओ। सुनो, आराम से जाना, प्लीज शोर मत करना। ओके। शिवानी बेटा नाश्ता तो करके जा। आज ना मैं फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ, कुछ काम है। फ्रेंड ही है या फिर कुछ और? हाँ भी ना मॉम, ऐसे कुछ नहीं है, सिर्फ फ्रेंड ही है। पक्का ना? देख अगर कोई और बात है तो मुझे मिलवा दे। हाँ मॉम, मुझे लेट हो रहा है। अरे जूस तो पी ले। ये लड़की ना, देखा मैंने कहा था ना। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। एक्चुअली आज मॉम पूछ रही थी कि किससे मिलने जा रही हो, कोई लड़का है क्या लाइफ में, अगर है तो मिलवा दे। तो मैंने सोचा मैं उन्हें तुम्हारे बारे में। तुमने कुछ बताया तो नहीं ना? नहीं नहीं, मतलब मैं सोच रही थी कि मॉम और भाई को तुम बताओ हमारे बारे में। अब मैं क्या बताऊं, अभी बताने को कुछ है ही कहाँ। पहले एक दूसरे को जानते हैं, थोड़ा टाइम देते हैं, समझते हैं। हाँ पर प्लानिंग तो करनी पड़ेगी ना, शादी की बात भी करनी है। शिवानी अभी तुम पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो, इन सब पे नहीं। और अभी मैं भी कुछ नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सेटल हो जाने दो, फिर बात करेंगे। ठीक है, जैसे तुम ठीक समझो। शिट, इतने कॉल्स। अचानक यहाँ कैसे? राहुल तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? तुम्हें पता है मैं कितनी घबरा गई थी। वो मुझे हेडेक था तो इसलिए सो रहा था। राहुल राहुल, हे भगवान, अंदर नहीं बुलाओगे? हाँ, मैं सोच रहा था कि कहीं बाहर चलते हैं, मेरा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। राहुल तुम्हें हेडेक है ना, चलो मैं सर दबा दूँ। नहीं नहीं, अब बाहर चलकर अच्छी सी कॉफी पीते हैं, चलो। राहुल Thank you.
ये कहाँ चला गया? क्या राहुल, ऐसे कैसे छोड़कर चले गए तुम मुझे? शाम से फोन भी नहीं उठा रहे हो। सॉरी यार, वो ना मैं तुम्हें मैसेज ड्रॉप करना भूल गया था। एक्चुअली तुम गहरी नींद में सोई हुई थी और मुझे अर्जेंटली जाना पड़ गया, तो मैंने सोचा तुम्हें डिस्टर्ब ना करूं, इसलिए निकल गया। हाँ, पर ऐसे कोई छोड़कर जाता है क्या? कितना डर गई थी मैं। I'm sorry, baby. अच्छा, वैसे कहाँ हूँ अभी? तुम्हारे घर के बाहर। क्या सच में? हाँ। I don't believe. क्या हुआ, अंदर नहीं बुलाओगी? नहीं, तुम पागल हो क्या? किसी को पता चल गया तो? लाइफ में थोड़ा रिस्क लेना बनता है। तुम जल्दी से बाहर आओ, दरवाजा खोलो, मैं अंदर आता हूँ। ठीक है, मैं आती हूँ। देखो तुम्हें मनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। ये सब ठीक नहीं हो रहा है। ये इंसान मुझे और मेरी बेटी को धोखा दे रहा है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, मैं अपनी बेटी की जिंदगी ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ने वाली। क्या हुआ, अब ऐसे क्यों देख रही हो? हिम्मत कैसे हुई अपने झूठे प्यार में मेरी बेटी को फंसाने की? मुझे सब पता चल गया, तुम शिवानी को धोखा दे रहे हो। अरे वो तो बच्ची है अभी, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी हरकत करने में? हाँ? ओह, तो आपको सब पता चल गया है। वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि वो मेरे पास चलकर आई थी। बकवास बंद करो, तुम एक नंबर के झूठे हो। तुमने जो मेरे साथ और मेरी बेटी के साथ किया है ना, उसके लिए मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी।
छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। तो क्या हुआ, कोई जबरदस्ती की है क्या तुम्हारे साथ या तुम्हारी बेटी के साथ? अरे अच्छी लगी तुम्हें भी तो, मैं पसंद आया था ना, बस हो गया। ठीक वैसे ही तुम्हारी बेटी के साथ हो रहा है। ओ, तो अच्छा नहीं लगा। कोई बात नहीं, तो जाकर बता दो अपनी बेटी को, रोक लो उसे मेरे करीब आने से। मुझे क्यों सुना रही हो? वैसे भी तुम दोनों माँ बेटियों में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, मेरे लिए ये सब टाइम पास था। सब मेरी गलती है, मैं ही फेंक दी थी। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं। शिवानी 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 मेरी बात तो सुन बेटा, शिवानी सुन तो, शिवानी दरवाजा खोल बेटा, दरवाजा खोल बेटा, एक बार मेरी बात तो सुन ले बेटा। चली जाओ माँ, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। शिवानी देख, I'm really sorry बेटा, सब मेरी गलती है, सब मेरी वजह से हुआ है, मैं ही सबके गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दे शिवानी। How could you do this to me? आप और राहुल जी, मुझे घिन आती है आपको अपनी माँ बोलते हुए। नहीं शिवानी बेटा, मुझे नहीं पता था तू कि तू उस राहुल को प्यार करती है। वो राहुल तेरे लायक नहीं है शिवानी, वो राहुल सही लड़का नहीं है। तो मेरी बात तो सुन, मैं बता दूँ सब कुछ। चले जाओ माँ, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, तूने ने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। दोनों माँ बेटियों ने फालतू का ड्रामा करके दिमाग खराब कर रखा। आप कौन है? कौन? कौन हो तुम? मुझे क्यों मारना चाहते हो तुम? कौन हो तुम? मॉर्निंग, क्या हुआ भाई, इतनी शांति क्यों है? मैं क्या बोल रहा हूं कि क्यों ना हम कहीं बाहर घूमने चले? हाँ जी सर,
क्या बात होगी सर? आप मिस्टर आकाश हैं? जी हाँ, मैं ही हूँ। आपके दोस्त राहुल का मर्डर हो गया है। क्या? चौबे! आप ही नहीं जानती है सर, लेकिन इसका और शिवानी का क्या लेना देना है? लेना देना है मनोज, बताओ क्या हुआ था? कल रात को शिवानी मुझसे मिलने आई थी। मनोज, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो ना, और तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। हाँ शिवानी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जान तक दे दूंगा अपनी। तुम्हें अपनी जान देनी नहीं है, तुम्हें किसी की जान लेनी है। क्या शिवानी, तुमने ये तुमने क्या कर दिया बेटा? अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। नहीं, इन्होंने प्लानिंग तो अच्छी की थी पर पूरी नहीं हो पाई। मतलब सर, अभी इसी ने तो कहा कि राहुल को मारने गया था। अगर इसने नहीं मारा तो फिर किसने मारा है सर? पता चल जाएगा। हौलदार, तलाशी लो। आकाश, ये आपका है? जी हाँ सर, ये मेरा ही है। आकाश, अनुज, क्या होता कल रात को, सब कुछ बताओ। कल रात मैंने देखा कि अनुज, तुम क्या क्या चाहते हो? आकाश, तुम ये क्या कर रहा है? आकाश, मैं तेरा बचपन का दोस्त हूं यार। आकाश, अच्छा सिला दिया तूने मेरी दोस्ती का। मेरी माँ बहन के साथ तुझे अब मैं नहीं छोड़ूंगा। तुमने राहुल का मर्डर क्यों किया? सीधी तरह बताओगे या कुछ और रास्ते अपनाने पड़ेंगे? या सर, मैंने ही मारा है राहुल को, क्योंकि मुझे पता लग चुका था कि मेरा ही दोस्त मेरे घर में मेरी मां बहन के साथ। छी, हमें दुख है तुम्हारे मां और बहन के साथ जो कुछ भी हुआ, लेकिन अगर तुम गुस्से पर काबू रख के पुलिस के पास आते तो तुम जुर्म करने से बच जाते और असली मुजरिम को सजा मिल जाती। अब जिंदगी भर जेल में सड़ना। हौलदार, ले चलो इन्हें। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज। आकाश,